बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सरकार ने बयान दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बयान के बाद कर्मचारियों और सरकार के बीच तलवार खिंच गई है। जो कर्मचारी अब तक सरकार के रुख का इंतजार कर रहे थे वो इस जवाब से खफा हो गए हैं। और कांग्रेस ने आग में घी डालते हुए फिर ऐलान किया है कि यदि वो सरकार में आई तो ओपीएस लागू करेगी। देखिए चुनावी साल में सरकार के लिए पेंशन कैसे बन गई टेंशन। हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस सरकार लागू करने नहीं जा रही है। बुधवार को कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये साफ कर दिया। आपका विचाराधीन है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का? बोले हमारे पास कोई विचाराधीन नहीं। मैंने कहा आप लागू करेंगे क्या? बोले हम लागू नहीं करेंगे। आज स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे। लाखों कर्मचारियों के हितों पे कुठारा घात है। अब जैसे ही सरकार की तरफ से सदन में ये जवाब दिया गया तो कांग्रेस ने लगे हाथ फिर ये ऐलान कर दिया कि वो सत्ता में वापस लौटी तो ओपीएस लागू की जाएगी। ये घोर अन्याय है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों पर। जो उनकी मांग है बड़ी साधारण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी जाए। कांग्रेस ने करी थी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आवश्यक ये लागू करेंगे। ओपीएस ऐसा मामला है जिसे लेकर बीजेपी नेताओं के बीच यह असमंजस की स्थिति है। गौरीशंकर बिसेन का एक पुराना बयान आपको सुनाते हैं। समर्थन करो, गौरीशंकर का अभिनंदन करो, मेरी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाओ, मेरे लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाओ, भारत माता की जय, भारत माता। गौरीशंकर बिसेन ने यह बयान देकर बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी थी। उसके बाद खबर आई कि चुनावी स्टेट कर्नाटक में भी ओपीएस को लेकर विचार किया जा रहा है तो एमपी में फिर सुगबुगाहट शुरू हुई। लेकिन प्रदेश सरकार के सदन में दिए बयान के बाद अब बीजेपी नेता असमंजस में नजर आते हैं। उपलब्ध हमारे पास आर्थिक स्रोत क्या है, कितना पैसा है हमारे पास, खर्चे क्या है, विकास के लिए कितनी जरूरतें हैं, तनख्वाह के लिए कितना देना पड़ेगा, ओल्ड पेंशन आएगी तो उसका भार कितना आएगा, कितने सालों तक आएगा, उतने सालों तक में और भार किस किस चीज़ के बढ़ जाएंगे, इन सब का गुणा गणित लगाने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार गंभीरता के साथ इस गुणा गणित को कर रही है। गुणा गणित जब सामने आएगा तब उचित निर्णय ले लेंगे। नहीं, वित्त मंत्री जी ने इसमें स्पष्ट कहा है कि अभी इस संबंध में सरकार का कोई विचार नहीं। अब ये तो हुआ सियासी मसला, लेकिन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बाहें चढ़ा ली हैं। ओपीएस की मांग करते हुए अब तक कर्मचारी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। उसकी वजह है पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान ओपीएस लागू कर चुके हैं। हिमाचल में भी ये लागू हो गई और झारखंड सरकार ने भी इसे लागू कर दिया। इसलिए कर्मचारी लगातार इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन चुनावी साल में सरकार के इस फैसले ने कर्मचारियों को नाराज कर दिया है। प्रदेश में करीब 4 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो सीधे तौर पर एनपीएस के दायरे में आ रहे हैं। कर्मचारियों को लगता है कि एनपीएस लागू कर कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोगों को जब ये पता चला तो सभी कर्मचारी वर्ग में इस बात को सुनकर के बड़ा दुखद हुआ, क्योंकि ये मुद्दा इतना मानवीय है। आप कल्पना कीजिए कि 35 साल कोई व्यक्ति आपकी सेवा करता है और 35 साल बाद उसको आप बिल्कुल बेसहारा छोड़ दो बुढ़ापे में, जब उसकी पूरी इंद्रिय शिथिल हो जाए, हाथ पैर शिथिल, ये कितनी अमानवीय बात है। वित्त मंत्री जी ने सदन में जो अपना वक्तव्य दिया है उसके लिए हम लोग यहाँ पर सांकेतिक रूप से भी प्रदर्शन करने की एक योजना बना रहे हैं। सांकेतिक रूप से हम अपनी गतिविधियाँ प्रारंभ करेंगे। ओपीएस को लेकर पिछली 5 फरवरी को कर्मचारियों ने आंदोलन किया था। उसके बाद से कर्मचारी और आंदोलन करने वाले थे, लेकिन अब तक कोई बड़ा आंदोलन न करते हुए सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है और जो आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बड़ी विडंबना है कि आज शासन सरकार को के समक्ष कर्मचारियों को अपनी बात रखने की परमिशन भी नहीं दे रहा है और मुद्दों को उठाने की अनुमति भी प्रदान नहीं कर रहा है। एक तरफ अगर कोई कर्मचारी नेता अपनी इन मुद्दों को उठाता है तो उन पर एक कानूनी कार्रवाई की जा रही है, कारण बताओ नोटिस जारी किया है या उनको सस्पेंड किया है। इससे पहले भी अध्यापक संवर्ग या अन्य कई संवर्ग के जो संगठन थे
उन लोगों ने अनुमति मांगी तो उनको भोपाल शहर से बाहर ही उनको जेल में डाल दिया गया, कहीं पकड़ लिया गया, कभी पुलिस अपनी हिरासत में लेके उनको भोपाल शहर से बाहर ही कर देती है। तो इस तरह से कई ऐसे मामले हुए हैं कि कर्मचारी अपनी आवाज आखिर किसके सामने रखे। पिछले 6 महीने में ओपीएस के मुद्दों पर प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन को 37 बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली। हालांकि सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार के कोई भी प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है, सभी को प्रदर्शन की पूरी छूट। मध्य प्रदेश में 20 साल बाद ऐसा नजारा है जब कर्मचारी सरकार के एक फैसले के बाद नाराज है। इससे पहले 2003 के चुनाव के पहले कर्मचारियों और दिग्विजय सिंह सरकार के बीच तनातनी का नजारा देखने को मिला था और दिग्विजय सिंह को कर्मचारी विरोधी बताकर बीजेपी ने इसे खूब भुनाया था। अब कांग्रेस कमोवेश ऐसा करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल चुनाव के मौसम में मुद्दा सियासी तूल पकड़ रहा है। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जमकर सियासत हो रही है और अब सरकार के फैसले के बाद नाराजगी भी बढ़ रही है। लेकिन ओपीएस मिलने के बाद कर्मचारियों को किस तरह का फायदा मिलेगा जो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में नहीं मिल रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। आखिरकार क्या है पेंशन का गणित और क्यों कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, इसे इस तरह से समझिए। 1 जनवरी 2005 के बाद प्रदेश में 3,35,000 से ज्यादा कर्मचारी सेवा में आ चुके हैं, ये सभी एनपीएस के दायरे में। 2,87,000 अध्यापक संवर्ग से है जो 2011 में एनपीएस में शामिल किए गए। दरअसल ये 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी पहले संविदा या शिक्षा कर्मी थे। इनकी फिक्स सैलरी थी, इसलिए न तो 10% सैलरी कटी और न ही सरकार ने अपनी तरफ से 10% राशि जमा की। जब ये अध्यापक संवर्ग के समकक्ष आए तो इन्हें एनपीएस में शामिल किया गया। अब इन्हें नुकसान कैसे हो रहा है वो समझना जरूरी है। मान लीजिए 2005 में किसी शिक्षक की सैलरी 30,000 रुपए थी। यदि ये 2005 से ही एनपीएस में शामिल होते तो दिसंबर 2022 तक इनके वेतन से 10% हर महीने के हिसाब से 6,12,000 रुपए कटते और इतनी ही राशि सरकार अपनी तरफ से मिलाती। मतलब रिटायरमेंट तक इनके पास 12,24,000 रुपए होते और उस हिसाब से पेंशन मिलती और रिटायरमेंट समय तक मिलते। अब ये 6 साल तक तो एनपीएस में शामिल ही नहीं थे। इसका मतलब कि इन 6 लाख में से इनके वेतन से 10% के हिसाब से 2,16,000 रुपए नहीं कटे, नहीं सरकार ने अपनी तरफ से इतनी राशि जमा की। 4,32,000 रुपए एनपीएस के लिए कम जमा हुए। ये तो हुई नुकसान की बात। अब एक कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में उसे कितनी पेंशन मिलेगी और यदि वो ओपीएस के दायरे में आता है तो कितनी मिलेगी, वो हिसाब भी देख लेते। मान लीजिए एक कर्मचारी है जिसकी बेसिक सैलरी 38,000 रुपए है, डीए 14,400 रुपए, इस तरह से कुल वेतन हुआ 52,440 रुपए। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होती है तो रिटायरमेंट के बाद उसे कितनी पेंशन मिलेगी और एनपीएस में कितनी। ओपीएस में बेसिक सैलरी का 50% मिलता है यानी मिलेंगे 19,000 रुपए और डीए का 31% मिलता है यानी मिलेंगे 5,890 रुपए, यानी कुल पेंशन बनेगी 24,890 रुपए। एनपीएस के हिसाब से गणित इस तरह से होगा। एनपीएस में सरकार 10% सैलरी काटती है और 10% अपनी तरफ से जमा करती है। इस तरह से एक कर्मचारी का कुल जमा होता है 12 लाख। एनपीएस में 60% भुगतान एकमुश्त होता है यानी रिटायर होने पर मिलेंगे 7,20,000 रुपए। बचे हुए 40% यानी 4,80,000 बैंक अपने पास रखता है। इस राशि पर 6.9% के हिसाब से ब्याज मिलता है जो होता है 2,760 रुपए, यानी पेंशन की रकम हुई केवल 2,760 रुपए। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है। हम जानना चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू ना करने का फैसला कितना सही है। आपके पास पहला विकल्प है बिल्कुल गलत फैसला है, दूसरा विकल्प है बिल्कुल सही फैसला है और तीसरा विकल्प है कुछ कह नहीं सकते। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000002414 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।